राधे राधे गुरु जी जी। राधे, मेरा नाम वर्षा है और मैं एम कॉम ऑनर्स की स्टूडेंट हूँ। महाराज जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे आप बोलते हो कि अपने धर्म की रक्षा के लिए आप उठो और करो, लेकिन जैसे मैं कॉलेज में हूँ, मैंने 2-3 बार ये चीज़ें फेस कर ली कि लोग कुछ भी बोलते हैं, इवन हमारे टीचर्स भी ये बोलते हैं कि तुम, जैसे जन्माष्टमी थी तो हमारे टीचर कहते कि तुम उस भगवान की पूजा करो जिसने 16 हज़ार रखी है और मैं 2 रख लूँ, मतलब अपोज करते हैं और इतना गुस्सा आता है, हम कुछ नहीं कर सकते। सीरियल्स में भी हर जगह मतलब यूज़ कर रहे हैं, ऐसे कुछ भी बोलते हैं। वो असल में क्या है कि उन्होंने खा भी नहीं पढ़ा धर्म का। उन टीचर को लास्ट वाले दिन अपने साथ ले आना, बोले आप मुझसे कहते हो ना, आज चलो आपको, अगर आपको मेरे धर्म के बारे में जानना है तो आज चलिए आप मेरे साथ। और लास्ट वाले दिन मींस 10th को, आज परसों आप उन्हें ले के आइएगा तब उसको। और जब वो लाइव हो तो तुम आती हो कथा सुनने? नहीं, रोज आते हैं। तो सिर्फ हाथ उठा देना कि हाँ मैं ले आई हूँ। तो रिटायर हो चुके हैं, खुद ही रिटायर हो गया, उसको क्या फिर समझाना है? नहीं, जो खुद ही रिटायर, नहीं ऑब्वियसली जो खुद रिटायर अपनी क्या है, कृष्ण को कोई समझ पाएगा? चलो मैं आपकी शंका समा, आप क्या प्रश्न करना चाहते हैं? मैं ये पूछ रही हूँ कि जैसे आप बोलते हैं ना कि युवा अगर आ गए हैं धर्म की रक्षा के लिए, हम कुछ कर ही नहीं पाते, हर जगह मजाक उड़ता है, मतलब टीवी सीरियल्स में देख लो। मेरे फ्रेंड्स भी बोलते हैं कि सीता के साथ ये किया, मैं कुछ कर ही नहीं पाती, अपोज करती हूँ, बहुत अपोज करती हूँ, लेकिन वो इतने ज्यादा हो जाते हैं कि मेरे को ही हाथ जोड़ने पड़ते हैं कि चलो ठीक है। और धर्मों के बारे में बताती हूँ उनको कुछ? हाँ बताती हूँ, जैसे उन्होंने बोला कि सीता को अग्नि परीक्षा दी, तो आपने बताया था कि अग्नि परीक्षा नहीं दी थी, उन्होंने अग्नि को सौंप दिया था, तो ये करी। उसके बाद बोलते कि भाई बाद में क्यों सीता को वनवास दे दिया? तो बाद में क्यों दे दिया? क्योंकि तुम राम नहीं बन सकते, जिनसे आप शादी करते हो वो राम नहीं है, वो राम थे। यहां ये लड़के तमाम लड़कियों को ताक झांक करते हैं, अब ये जानेंगे त्याग का मतलब क्या है? बोलिए, जानेंगे? तुम जब स्कूल या कॉलेज जाती हो, कोई भी लड़का तुम्हें ताकता नहीं है? कोई गंदे शब्द तुमने आज तक नहीं सुने? क्या ये राम को जानेंगे? ये नीच निकम्मे लोग राम को जानने की हिम्मत रखते हैं क्या? राम को जानने के लिए दिल बड़ा होना चाहिए। राम को भी मालूम था सी इज प्रेग्नेंट। जिस इंसान के कोई औलाद न हो और जब औलाद होने वाली हो तब उसका त्याग करना पड़े, आप जानते हैं उसका कितना बड़ा त्याग होगा? किसके लिए त्याग किया उन्होंने? राम जी के लिए। राम जी ने किसके लिए त्याग किया? धर्म के लिए, प्रजा के लिए, प्रजा की सुविधा के लिए। आज का नेता कोई सोचेगा इतना अपनी प्रजा के लिए? सोचेगा? दैट्स वाई ही इज राम। वो अपने लिए नहीं जिए, उन्होंने त्याग अपने लिए नहीं किया, उन्होंने त्याग प्रजा के लिए किया कि अगर मैं राजा होके ऐसी स्त्री को रख लूं जिस पर एक व्यक्ति शक करता तो फिर तो सारी प्रजा धर्मी हो जाए। आज क्या है, जैसे राजा वैसी प्रजा, न राजा का धर्म है न प्रजा का धर्म है। आज आप लोगों का कोई धर्म रहा है क्या? बता दीजिए आप, कोई एक कह दीजिए मेरा धर्म बचा हुआ है, नहीं कह सकते। ये नौजवान तो बिल्कुल नहीं कह सकते, इनका धर्म तो मोबाइल पे देख देख के भ्रष्ट हो चुका है। बोलिए कोई कहे, किसी ने जान के देखा, किसी ने अनजाने में देखा, कोई मूवी देख के भ्रष्ट हुआ, कोई सीरियल देख के भ्रष्ट हुआ, और जो बच गया वो ठाकुर जी की बहुत बड़ी कृपा से बच गया, बहुत बड़ी। तो ये लोग क्या है, देखो एक और बात में, आप जितने भी नौजवान यहां बैठे हैं, आप ईमानदारी से सच को सुनिए। मैंने आपको इसीलिए बुलाया, मेरा कोई मतलब नहीं है कि मैं ये नहीं चाहता कि आप अपने घर के मंदिरों में मेरा फोटो रखिए और मेरी पूजा करिए। अरे मैं भी आपकी तरह हाड़ मास का पुतला हूं, आज नहीं तो कल मरना ही मुझे भी तुम्हारी तरह, तो मेरी पूजा मत करो। लेकिन तुम ये सोचो तो सही यार, तुम आए किस लिए हो दुनिया में? 5 मिनट तो सोचो, कभी 5 मिनट अपने लिए निकालो तो सही। Why are you coming here? Only for eating, sleeping and children for? Only? Only for children? Only for your family? Only for job? That's it. नहीं, पहले धर्म को जानो। जो व्यक्ति जिस धर्म का, पहले अपने धर्म को जान लो, उसके बाद जिंदगी जियो। जब तक तुम धर्म को नहीं जान सकते तुम अच्छी जिंदगी नहीं जी सकते, बिल्कुल भी नहीं जी सकते। तो राम जैसा त्यागी पुरुष आज के लोगों, और जब राम जी थे तब रावण नहीं समझ पाया उनको, तो ये क्या समझेंगे?
पर फिर भी मैं आपको ये कह रहा हूँ, किसी भी कंडीशन में आप अपना विश्वास डामाडोल मत होने दीजिए, किसी भी कंडीशन में, क्योंकि वो कथा नहीं सुनते, आप सुनते हो उनका विश्वास उन मूवियों में। वो हीरोइन को बड़ी लाइक कर लेते हैं, हीरो को बड़ी लाइक कर लेते हैं, पर राम लाइक नहीं होंगे। हीरो हीरोइन लाइक क्यों है, कि वो चरित्रहीन है, और ये लाइक करने वाला कौन है, खुद चरित्रहीन है। तो शराबी शराबी को ही ना लाइक करेगा भाई, शराबी भजन करने वाले को कैसे लाइक करेगा, शराबी शराबी को लाइक करेगा, जुआरी जुआरी को लाइक करेगा, पापी पापी को लाइक करेगा, और तुम जैसा भक्त तो सिर्फ भगवान को ही लाइक करेगा। ये तुम्हें रूल बनाना अपना लाइफ का कि तुम कौन हो। मैं मेरे जो स्ट्रक्चर है पूरा लाइफ का, वही स्ट्रक्चर मेरे चरित्र मेरे विचारों में भी तो वही आएगा। मैं लोगों ऐसे ही लोगों को लाइक करूँगा जैसा मैं खुद हूँगा। तो लोगों की परवाह मत करो, हाँ समझाने की सबको कोशिश करो, जितना तुम धर्म से सीखते हो, जितना तुमने धर्म से सुना है या हमसे सुना है, किसी से भी सुना है, शेयर जरूर करो। क्या पता तुमने 10 को सुनाया, एक सुधर गया, तो कम से कम एक माँ बाप का अपने घर बचा लिया। तो ये प्रयास जारी रखो। लेकिन अपने धर्म की, जैसे आपने बोला कि निंदा होते हुए हम जैसे सुनते हैं तो बहुत बुरा लगता है। नहीं तो... निंदा नहीं होती है, उसको बायकादा जवाब दो ना। मेरे सामने काफ़ी लोग आते हैं, मैं उनको जवाब देता हूँ। मुझ में ये कैपेसिटी होनी चाहिए कि मैं उन्हें समझा सकूँ मेरा धर्म क्या है। इतनी नॉलेज मुझे होनी चाहिए, इसके लिए तुम्हें और पढ़ना पड़ेगा, इसके लिए तुम्हें और समझना पड़ेगा अपने धर्म को, फिर जवाब दे सकोगी। और वैसे मैं आखिरी दिन बताऊँगा 16,108 विवाह क्यों किए। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू।